सूरजपुर में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी जयनाथ केराम ने अपने समर्थकों के साथ निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर प्रेमनगर विधानसभा के लिए अपना नामांकन भरा, जहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने नामांकन दाखिल किया। बता दें कि जयनाथ के नामांकन भरने के बाद प्रेमनगर विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। वहीं जयनाथ केराम ने मीडिया से चर्चा करते हुए भाजपा और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों से जनता परेशान हो गई है, जिस कारण जनता उन्हें जरूर आशीर्वाद देगी। चुनाव मैदान में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बसपा और भाकपा का गठबंधन के साथ उतर रहा है। निश्चित तौर पर हम काफ़ी मजबूत हैं और जमीनी मुद्दों को लेकर हम आएंगे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अपने साथ इन जो मुद्दे हमारे हैं वो जमीनी मुद्दे हैं। जल्द जमीन की बात हम कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो यहाँ पे शराबबंदी की जिन्होंने पूरा नहीं किया, हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो ये प्रत्येक खातेदार को जो मातृशक्तियाँ हैं जिनके नाम पे राशन ये देते हैं ये उनको लाइन पे लगवा रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनके खातों में 5,000 रुपये दें, ये दे नहीं सकते। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की उस पर है घोषणा पे बिजली 500 यूनिट बिजली माफ कर रहे हैं, शिक्षा स्वास्थ्य मुफ्त में मिलेंगे, साथ ही जो लघु कुटीर उद्योग हैं इसको अपन स्थापित करके कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे बेरोजगार जो साथी होंगे उनको हम रोजगार देंगे।